हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। किरण बेकिंग एंड कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बनाने वाले हैं 1 kg का हार्ट शेप में स्ट्रॉबेरी केक। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी केक। फ्रेंड्स, आज हम लोग 1 kg का हार्ट शेप में केक बनाने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग केक को बेक करेंगे। ये बटर पेपर है, इसके साइज का कट कर लिए हैं, इसमें लगा देंगे। अब इसमें हम लोग बटर लगा देंगे। केक का जो बैटर है वो चिपके नहीं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से लगा दिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गैस पे एक कढ़ाई रख दिए हैं, उसमें नमक डाल के एक स्टैंड रख दिए हैं। हम लोग 1 kg का बना रहे हैं केक, इसके लिए बड़ा बर्तन चाहिए बेक करने के लिए, तो इसको फ्री हीट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम लोग बैटर को तैयार करेंगे। एक बाउल ले लेते हैं। ये 300 ग्राम वेनिला प्रीमिक्स है, इसको दे देते हैं। अब इसमें 4 चम्मच तेल डाल देते हैं। कोई भी कुकिंग ऑयल डालिए, इसमें बटर डालिए, बटर भी चलेगा, बटर डाल सकते हैं। और ये 160 ml पानी है फ्रेंड्स, उसको इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स कर लेते हैं। हम लोग एक ही साथ में पानी नहीं डालेंगे पूरा फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा करके ही मिक्स करेंगे हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, बचा हुआ पानी भी डाल देते हैं। हम लोग स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बना रहे हैं फ्रेंड्स। 1/4 teaspoon स्ट्रॉबेरी एसेंस है, इसको दे देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हम लोग गैस पे फ्रेंड्स रख दिए हैं बर्तन को फ्री हीट होने के लिए, उसके बाद ही ये बैटर वाला प्रोसेस हम लोग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है ये। अब आइए इसको बेक वाले बर्तन में डाल देते हैं। इसको अच्छे से हम लोग फैला देंगे। ऐसा करना ज़रूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो कहीं पे मोटा कहीं पे पतला बेक हो जाएगा, इसलिए इसको चारों साइड से अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, तभी ये हार्ट शेप बराबर दिखेगा बेक होने के बाद। आइए अब इसको बेक होने रख देते हैं। इसमें डाल दिए हैं, अब एक ढक्कन से इसको ढक देते हैं। इसको फ्रेंड्स मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट तक बेक करना है। 20 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, आइए चेक कर लेते हैं। ये एक टूथपिक लेकर के हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको उतार के ठंडा कर लेते हैं। जब तक बेस हमारा ठंडा होता है फ्रेंड्स, तब तक हम लोग क्रीम फेंट लेंगे। फ्रेंड्स, ये 500 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ले लिए हैं, इसको फेंट लेते हैं अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, चेक कर लेते हैं, ये नहीं गिर रहा है, अच्छे से बीट हो गया ये। ये रोज का नोजल है फ्रेंड्स, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं फ्लावर बनाने के लिए।
उसको एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रोज फ्लावर बनाएंगे। इसको पहले इस तरह थोड़ा क्रीम नीचे रख देना है, उसके बाद एक ऐसे छोटा राउंड घुमाना है, उसके बाद फिर ऐसे ऊपर से नीचे करते जाएंगे तो वैसे ही अपना पंखुड़ी बनते जाएगा। ये देखिए, और इस पे हम लोग कोई भी कलर कर सकते हैं। इस पे हम रेड कलर स्प्रे कर रहे हैं। ये देखिए, और ये एक कैंची के हेल्प से इसको उठा के रख देती। आइए बाकी सब भी ऐसे ही बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फ्लावर बना के रेडी कर लिए हैं। आइए बेस को निकाल लेते हैं एक बोर्ड में। धीरे धीरे ये बटर पेपर निकाल लेंगे हम लोग, चारों साइड से भी निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से बेक हो गया है। आइए इसको थोड़ा लेवल में कट कर लेते हैं। इसको एक लेवल से कट कर लेते हैं दो टुकड़े में। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से कट हो गया दो टुकड़े में। अब आइए इसको आइसिंग करते हैं। एक केक बोर्ड ले लेते हैं, इस पर थोड़ा क्रीम लगा देंगे। अब इस पर ये बेस रख देंगे। हम लोग स्ट्रॉबेरी केक बना रहे हैं फ्रेंड्स। एक बाउल ले लेते हैं, उसमें थोड़ा क्रीम डाल देंगे और इसमें 4 चम्मच स्ट्रॉबेरी क्रश है उसको मिक्स कर देंगे। स्ट्रॉबेरी क्रश देने से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड केक में। ये देखिए, इसको मिक्स कर दिए। अब इसको स्प्रे कर देते हैं पानी से। अब इसमें ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश मिक्स करके रखे थे क्रीम, वो क्रीम डाल देंगे हम लोग। अब हम लोग इसके ऊपर दूसरा लेयर रखेंगे। इस पे भी स्प्रे कर देंगे। अब इस पे हम लोग ये सादा वाला क्रीम लगा देंगे। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा क्रीम लेकर के चारों साइड से लगा देंगे। चारों साइड से अच्छे से फिनिशिंग दे दिए हैं फ्रेंड्स। आइए अब डेकोरेट करते हैं। ये न्यूट्रल जेल है फ्रेंड्स, हम लोग जेल से डेकोरेट करने वाले हैं। 2 चम्मच जेल ले लेते हैं। और इसमें 2 चम्मच पानी दे देंगे। इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ये जेल बहुत गाढ़ा रहता है फ्रेंड्स, तो इसमें पानी मिलाना ही पड़ता है। तो इसको पानी मिला के हम लोग कंसिस्टेंसी बराबर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब परफेक्ट हुआ है। अब इसमें आप कोई भी कलर मिला करके डेकोरेट कर सकते हैं। मैं इसमें रेड कलर यूज कर रही हूँ। 2 ड्रॉप डाल देते हैं
आपको जितना डार्क कलर चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें कलर डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर हो गया। अब हम लोग इसको एक पाइपिंग बैग में भर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इसको इधर से कट करके यूज करेंगे हम लोग। केक